मंगलवार को कोटला क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण कुमार घर का सामान खरीदने के लिए अपनी ब्रांडेड साइकिल से नया बाजार स्थित गंगाराम अमरचंद हलवाई की दुकान गए हुए थे। दुकान पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बाहर खड़ा कर शॉप में चले गए। कुछ देर बाद वापस लौटे तो साइकिल गायब मिली। आसपास साइकिल तलाश की गई लेकिन साइकिल नहीं मिली। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की। पुलिस ने चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अजमेर में चोर गिरोह लगातार सक्रिय है। चोर वाहनों व घरों में चोरी करने के साथ ही अब ब्रांडेड साइकिल को भी निशाना बना रहे हैं। मंगलवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया है। नया बाजार में सामान खरीदने पहुंचे युवक की हलवाई की दुकान के बाहर से ब्रांडेड साइकिल चोरी हो गई। यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटडार निवासी प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्होंने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक किया तो चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक चोर शातिर तरीके से करीब 2 मिनट के अंदर उनकी ब्रांडेड साइकिल चोरी कर ले जाता हुआ दिख रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।